इस वीडियो में मैं आज आपके साथ 20 सवाल डिस्कस करने वाला हूं, 20 MCQs डिस्कस करने वाला हूं और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात करने वाला हूं। और पहले हम क्या करते थे कि हम पूरे चैप्टर से सवाल बनाते थे, लेकिन अब हम रेंडमली बुक से कहीं से भी सवाल उठा रहे हैं, पूरी बुक से सवाल उठा रहे हैं। तो पहला सवाल जो हमें डिस्कस करना है ये कह रहा है CO क्या है, पाई एक्सेप्टर लीगेंट है और वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, दोनों की तरह या आपका किसी की नन, ये चार ऑप्शन है। तो सिंपली हमने जो 12वीं में पढ़ा हुआ है, हमने कहा भाई लीगेंट जो होता है, लीगेंट क्या करता है, नॉर्मली लीगेंट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लीगेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, हमने तो ये पढ़ा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इसके हिसाब से तो पहला ऑप्शन जो आपका बन रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने पेज फंसा दिया। वो कह रहा है कि पाई एक्सेप्टर लीगेंट है। तो पाई एक्सेप्टर लीगेंट वो होते हैं जो आपका थोड़े से इलेक्ट्रॉन देते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो जनरली आपका देखिए लीगेंट दो किस्म के होते हैं, लीगेंट आपके दो किस्म के होंगे, वो आपका स्ट्रांग भी हो सकता है और लीगेंट आपका वीक भी हो सकता है। वीक लीगेंट जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और अगर स्ट्रांग होगा तो वो कैसा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन डोनर तो होगा ही, लेकिन उसके साथ वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होगा, डोनर और एक्सेप्टर भी होगा। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लीगेंट कहते हैं, कि जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो CO क्योंकि स्ट्रांग लीगेंट है इसीलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि CO क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों की तरह काम करेगा। बात समझ में आई आपको, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन अगर 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 इसने इसकी जगह पे ऐसा दे रखा होता मुझे कि उसने चेंज कर दिया है, सवाल ऐसा कर दिया है अगर कि साइनोक्लोरोनेगेटिव एक्ट एज, अब क्लोरोनेगेटिव क्या है, वीक फील्ड लीगेंट है, तो सिंपल सी बात होगी यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम भी करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम भी करेगा वो, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा जो सवाल है, दूसरे सवाल में वो कह रहा है कि भाई एफ ई साइनो, दूसरा सवाल है एफ ई सी ओ का होल फाइव, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ओवे 18 इलेक्ट्रॉन क्या है, ओवे एन रूल और नॉट, एन रूल ओबे करता है कि नहीं करता है। ऑप्शन है ओवे, बी नॉट ऑफ ओबे, सी बोथ, डी नन। ठीक, देखिए भाई एन रूल की बात आएगी जब भी, तो एन रूल हम क्या कहते हैं कि भाई एन रूल को कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, एन रूल को कैसे निकालते हैं, आपके पास जो मेटल है मेटल का एटॉमिक नंबर लिखिए भाई 26 और इलेक्ट्रॉन मेटल का एटॉमिक नंबर लिखना है आपको, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26 है, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो मतलब फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, जीरो है, तो कोई चेंज नहीं होगा, 26 हो गया। और 5 CO है, एक CO आपको दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो 5 CO कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10, तो 36 हो गया है। अब एटोम एन रूल की तरह एन नंबर कितना आ गया 36, और क्या ये जीरो ग्रुप की गैस के बराबर है, हाँ ये जीरो ग्रुप गैस के बराबर है। तो क्या ये एन रूल को ओबे कर रहा है, हाँ ये एन रूल को ओबे कर रहा है। एन रूल कैसे निकालेंगे, आप एन नंबर आपको निकालने के लिए कहा गया, आपको क्या करना है कि मेटल का मेटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है भाई, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन माइनस कीजिए, और मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लीगेंड के इलेक्ट्रॉन अगर वो किसके बराबर हो रहे हैं, आपके जीरो ग्रुप की जो गैसेस हैं उनके एटॉमिक नंबर के बराबर हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो एन रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये 18 रूल को तो फॉलो कर रहा था। अब दूसरा अगला सवाल है, अगर तीसरा सवाल है, दो सवाल हमने डिस्कस किए, 20 सवाल हमको डिस्कस करने थे, दो सवाल हुए, तीसरा सवाल है, हमने कहा इसने कहा है K4 Fe साइनो होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स है,
डी ब्लॉक से ये सवाल है K4FE साइनोहोल ये एक कॉम्प्लेक्स है और ये बता रहा है कि नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें कितने आयंस बनेंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन वो दे रखा है 11, ऑप्शन है 5, अगला है सी ऑप्शन है आपके पास 4 और डी ऑप्शन है 9। देखिए भाई आपको क्या करना है, आपको पता है आपको पहले भी पता है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है K4FE साइनोहोल 6 हो गया, जब ये टूटेगा तो ये किस तरीके से टूटेगा, ये 4K पॉजिटिव और प्लस ऑफ FE साइनोहोल 6 इसमें टूट जाएगा और इसमें आपको चार्ज बैलेंस करना होगा। ठीक, तो कितने आयन बना, ये एक आयन हो गए और 4 आयन ये हो गए, तो 4 और 1 कितना हो गए, टोटल कितने आयन्स हो गए हैं, 5 आयन्स हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कितने आयन्स हो गए हैं, 5 नंबर। अब अगला सवाल है रोल ऑफ फेरिटीन, अगला सवाल है कि फेरिटीन का रोल क्या है, अगला ये कौन सा सवाल है, 4th सवाल है रोल ऑफ फेरिटीन। तो फेरिटीन मेटल स्टोरेज बी, ऑक्सीजन ट्रांसफर सी, ऑक्सीजन स्टोरेज डी, ऑल। तो रोल ऑफ फेरिटीन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है और ये क्या करता है, फेरिटीन आयरन को क्या करता है, स्टोर करता है। तो मेटल स्टोरेज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये तो आपको पता होना चाहिए था। अगला सवाल है रोल ऑफ फेरिटीन के अलावा 5वां नंबर है रोल ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का रोल है ऑक्सीजन ट्रांसफर है, ऑक्सीजन स्टोरेज है या मेटल स्टोरेज है, ये आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, इसमें मायोग्लोबिन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं इसमें। ठीक, अब 6वां नंबर सवाल है नेक्स्ट सवाल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फ्यूरॉन ऑकर्स एट ऑप्शन नंबर 1 है एट कार्बन नंबर 2 बी एट C4D none। ठीक, नन भी या कोई और ऑप्शन भी हो जाता। ये पूछ रहा है कि फ्यूरॉन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से नंबर के कार्बन पे होते हैं, दूसरे नंबर के कार्बन पे या दूसरे या पांचवें नंबर दोनों पे या फिर चौथे पे या किसी भी। तो देखिए फ्यूरॉन है आपका 4 मेंबर, ये फ्यूरॉन है 5 मेंबर, हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इस तरीके से फ्यूरॉन होता है। ठीक है भाई, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, 3 ये आपका यहाँ पे हो गया है आपका ऐसे नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पोजीशन पे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पे जाके अटैक करने लग जाता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनता है। देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, 2 और 5 पे, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 पे, फ्यूरॉन में। वैसे वो आपको पिरिडीन में पूछ सकता है, थायोल में पूछ सकता है, इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। अब अगला सवाल है 8वां सवाल है, ये समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या बताया। अगला सवाल है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर ऑप्शन है ए नाइट्राइल, बी है कीटोन, सी है एल्डिहाइड, डी है एल्कोहल। ठीक,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख दीजिए। अगर आपको इस तरीके का सवाल आए तो कैसे करना बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। एल्डिहाइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। और एल्कोहल होता है आर ओ एच। नाइट्राइल साइनाइड आइसोसाइनाइड है ये एन सी। अगर आप देखेंगे अब इनमें से आप देखिए किस में सबसे ज़्यादा अल्कोहल की फ्रिक्वेंसी। देखिए ये वाला रीजन जो है ये कार्बोनाइल वाला रीजन है। अल्कोहल की फ्रिक्वेंसी 3500-3600 के बराबर हो जाती है, 3500-3600 के करीब करीब हो जाती है, तो इसीलिए ये इसमें जीत जाएगा। और ये 1735 है और ये 1715 के करीब होता है और ये कहीं 2100-2200 के करीब होता है, तो ये 3500-3600 के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये इस तरीके से ये यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, ठीक, ये अगला सवाल हो गया। दसवां सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से डील करना है। ठीक है भाई, दसवां सवाल है। हाँ, मैं इन क्वेश्चन को बना के भी दूंगा आपको। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज फ्रीक्वेंसी ऑफ 170 नैनोमीटर फॉल। ए है IR, बी है विजिबल, सी है वैक्यूम, डी है फार यूवी। ठीक, तो वो क्या कह रहा है, 170 नैनोमीटर का कोई रीजन है, इस रीजन में कोई फ्रीक्वेंसी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे किसके लिए आएगा। IR तो बिल्कुल नहीं आएगा। वैक्यूम रीजन हमने क्या कहा था कि भाई 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर के रीजन को हम यूवी रीजन कहते हैं। ठीक है, यूवी तो 200 से 400 यूवी होता है और 400 से 800 विजिबल, तो हम 200 से 800 नैनोमीटर का जो रीजन है उसको हम यूवी विजिबल रीजन कहते हैं। और 200 से नीचे 177 तो 200 से नीचे 170 200 से नीचे ही है, तो वो कौन सा रीजन है, वैक्यूम वाला रीजन है। तो क्लियर आंसर क्या है इसका, वैक्यूम रीजन। ठीक है भाई, अगला सवाल है, मेटल प्रेजेंट इन साइनोकोबाल्टोमीन में कौन सा मेटल प्रेजेंट है। इस पर तो बहुत सारी बार डिस्कस हो चुका है कि उसमें कोबाल्ट होगा, साइनोकोबाल्टोमीन। 11वां सवाल है, साइनोकोबाल्ट अमाइन में कौन सा मेटल है, तो आंसर इसमें कोबाल्ट है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अगला सवाल है, लेट मी चेक वीडियो इज वर्किंग और नॉट। ठीक, इट्स वर्किंग। अगला सवाल है, मेरे पास अगला सवाल है 12वां सवाल, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, देखिए ये आपके पास थायोपीन है। ठीक, और इसका क्या किया हुआ है, किसके साथ किया हुआ है, H2PD के साथ, और प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है आपका ये, बी है आपका ये, सी है आपका ये, डी है आपका नन। ठीक, अब देखिए H2PD के साथ, देखिए रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है, H2PD का रोल क्या होता है, वो रिडक्शन करता है, और रिडक्शन होके क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म होगा। H2PD के साथ कितने हाइड्रोजन मिलते हैं, 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड दोनों डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पेचीदा फंस सकता है, यहाँ पे सवाल ऐसा भी हो सकता था, क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता था वो, उसने क्या किया यहाँ पे सल्फर लिया, और आपको दो तरीके, एक तो उसने H2PD दे दिया एक, और दूसरा अगर उसने Zn(HCl) दे दिया। ठीक, दो दे दिया आपने, तो जब H2PD होता है तो आपके पास 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, Zn(HCl) में आपको 2 हाइड्रोजन, मतलब एक ही डबल बॉन्ड खत्म होगा, तो तब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी, अगर क्या होता अगर इसकी जगह पे जिंक H2PD नहीं होता, जिंक HCl होता तो तब ऑप्शन क्या था, करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर इसको होना था। ठीक, अगला सवाल है कि ब्रोमिनेशन किया है आपने फ्यूरॉन का, फ्यूरॉन का ब्रोमिनेशन किया है और पूछा गया है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। अगला सवाल है ये फ्यूरॉन है, ठीक, फ्यूरॉन, इस फ्यूरॉन का क्या किया, ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन किया और आपको कहा कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है उसने, ऑप्शन उसने ए दे रखा है आपको, ये ठीक Br A, दूसरा ऑप्शन उसने दे रखा है Br, तीसरा ऑप्शन उसने दे रखा है Br और डी नल। ठीक, ये चार ऑप्शन है आपके पास, इसको देखना है आपको। मैंने आपको बताया था कि फ्यूरॉन पांच, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा दूसरे या पांचवें पे जुड़ेगा, दूसरे और पांचवें पे सभी देखिए ये ऑप्शन है, देखिए ये दूसरे पे है, अंतर देखिए, अंतर क्या है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, इसके पास दो डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड खत्म कब होगा, जब रिडक्शन होगा। रिडक्शन की कोई कंडीशन है, नहीं, रिडक्शन की कोई कंडीशन नहीं है, ब्रोमिनेशन हो रहा सेकंड पोजीशन, तो करेक्ट आंसर ये है। अगर आपके पास मान लो ऐसा होता तो तब दोनों सेम थे, लेकिन अगर इस वाली सिचुएशन में अगर ये आपको दे रखा होता तो तब ये भी आंसर था, क्योंकि ब्रोमिनेशन दूसरे और पांचवें दोनों जगहों पे हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, ये वाला डबल मून नहीं था, तो इसलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो गया है। अब अगला सवाल है, मैं इन सवालों को आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, आज ही प्रोवाइड करा दूंगा। अगला सवाल है कि आपके पास है Fe साइनो का होल 5NO, ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की आपका इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर क्या है, सोडियम नाइट्रोफोसाइड, ये हमने बात कर रखी है इस पर। ऑप्शन है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा है टेट्राहेड्रल, तीसरा है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और अगला है आपके पास नन। बस लीगेंड गिनो भाई, पांच ये हो गए, छठवां ये हो गए, छह लीगेंड के साथ स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अगला है जीजस साल्ट का नाम, जीजस साल्ट का नाम आपको पता ही है, उसमें कोई इशू है नहीं। जीजस साल्ट तो जीजस साल्ट का नाम हमने आपको पहले बता रखा है। अगला है NiCO होल 4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय NiCO होल 4 को किस मेथड से बना सकते हैं। ऑप्शन उसने दे रखे हैं, पहला आपको डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन, अगला है आपके पास फोटोलाइसिस, और अगला है आपके पास थर्मोलाइसिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, डायरेक्ट मेथड। होता क्या है, आपके पास निकिल के साथ चार, आप चार साइनों को जोड़ते हैं तो वो NiCO होल 4 बना देता है। ये है मेरे पास क्या, ये कहलाता है मेरा डायरेक्ट मेथड। अगर मैंने यहाँ पे हीट लिए होती तो थर्मोलिसिस, और अगर HBO लिया होता, ठीक, फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस, इस तरीके से। तो ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट मेथड, ये दोनों इसमें नहीं होते हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है भाई, अगला कह रहा है, अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है कि कॉपर की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कॉपर। ऑप्शन है 2+2, बी है +3, सी है +1, डी है नन। ठीक है भाई, जब भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉपर कितना होता है, निकिल कॉपर जिंक 29 3D9, और एक्चुअली क्या होता है 3D10 एक्साइटेड स्टेट में 3D10 और 4S2, ये कुछ 4S1, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है।
ये एक्साइटेड स्टेट का है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 3D9 और 4S2। ठीक, तो यही है ना, एक इधर चले जाता है। अब देखिए, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कॉपर के लिए। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आपको इसको चेक करना है क्या होगा। इसके अलावा एक सवाल है ईटा की पावर 5 CP में कार, ये जो 5 है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच कितने हैं, इसमें 5 ऑप्शन है। बाकी NiCO होल 4 के लिए आप एन रूल निकाल ही देंगे। तो आपको ये नया वाला तरीका कैसे लगा मुझे ये बताइए, कमेंट करके बताइए, और इसमें क्या और कुछ किया जा सकता है इसके बारे में बताइए। थैंक यू।